हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवाशी शवस्थी जैसे आपको पता होगा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम एक जनरल स्टडीज का एक टॉपिक लेंगे उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक लेके आपको हर दिन दस क्वेश्चन कवर कराएंगे तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स मतलब पांच क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम हिस्ट्री एंड फाइव क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर्स ओके तो देखते हैं लोग पूछ रहे थे सर ये किस एग्जाम की प्रिपरेशन होने वाली है याद रखिएगा जो कमिंग एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में होने वाला है असिस्टेंट कमांडेंट होने वाला है बहुत से स्टेट पी सी एस होने वाले हैं उन सारे कमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके okay? उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं मैं एक बार फिर से बता दूँ अगर आपको लेक्चर्स की पी डी एफ चाहिए तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें जिसका लिंक मैंने दे रखा है एंड्रॉइड का लिंक है याद रखिएगा अगर आप आईफोन यूजर हैं तो एक बार हमको व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत आई तो हम आपको डिटेल्स बता देंगे कि किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है ओके बाकी यूजर्स के लिए मैंने लिंक दे रखा है आप एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लें जहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्लस अगर आप पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहते हैं तो आप हमको जरूर एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करें इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी ओके तो आज देखते हैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे पैटर्न पे हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है जिसमें इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल दोनों को ही मेंटेन किया है ओके और पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑफकोर्स पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पूछा है कि कौन लोग थे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वो एसोसिएटेड विथ रोतवारी सिस्टम आपने शायद सुना होगा ब्रिटिश uh, गवर्नमेंट के टाइम पर जब इन, इंडिया को रूल किया जा रहा था करा, इंडिया को रूल किया जा रहा था तीन टाइप के सिस्टम हुआ कहते थे ज़मींदारी जिसको हम परमानेंट सिस्टम भी कहते थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दूसरा रोहित सिस्टम थर्ड महलवारी सिस्टम तीनों सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए मैंने पूछा यहाँ पर कौन से पर्सनल हैं जो रोतवारी सिस्टम से एसोसिएटेड थे ओके ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके याद रखिये एलेग्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको यह बताना है तो आई होप इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा वर्क कर सकता है अगर आपको पता हो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत फेमस पर्सनैलिटी है आपको पता होगा इनके बारे में ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड थे दैट इज नोन एज परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम ओके तो रोतवारी से रिलेटेड नहीं थे तो अगर फर्स्ट गलत दिया हुआ है तो देखिए एलिमिनेट अगर मैं करता हूं तो मेरा सीधा आंसर आ जाता है यस दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है 2 एंड 3 जिसको नहीं भी पता होगा वो सॉल्व कर सकता है याद रखिएगा मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है तीनों सिस्टम जो थे वो किन एरियाज में फेमस थे ये आपको याद रखना है जैसे रोथवानी सिस्टम साउथ इंडिया में परमानेंट जिसको आप जमींदारी सिस्टम कहते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा में और महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ओके इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कराया हुआ है इसके बारे में अगर आप चाहते हैं ओनली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें वहां पर हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल है आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं ओके तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू एंड थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं याद रखिए क्वेश्चन कभी भी आप पढ़े जरूर देख लीजिएगा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है क्योंकि जल्दबाजी में

फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सब्सिडरी याद रखिए इंडियन रूलर्स को क्या करना पड़ेगा दे वर नॉट अलाउड इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते अगर आपने साइन किया हुआ है तो ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रिंसली स्टेट तो याद रखिएगा इंडियन रूलर्स को याद रखिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसको ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स का जो कि प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है याद रखिएगा नॉट अलाउड टू हैव आप इंडिपेंडेंट अपनी आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते हैं आपने सब्सिडरी लाइन साइन कर रखा है तो तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बट इसने इनकरेक्ट पूछा है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि यहां पर याद रखिए जो ब्रिटिश सब्सिडरी लाइन साइन कर रही है इंडियन रूलर्स के साथ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक उनको प्रोटेक्ट करेगी याद रखिएगा ना कि इंडियन रूलर्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे यहां पर उल्टा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है याद रखिए इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है ब्रिटिश को प्रोटेक्ट करना है उनको कि उनको कोई अटैक ना करे इसके बदले में आपको मनी और अगर वो मनी नहीं दे पाते फॉर एग्जाम्पल इंडियन रूलर्स कि आप हमको प्रोटेक्ट करिए एरिया है आपने से ब्रिटिशर से, तो ब्रिटिशर आपके से एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके बदले में आप उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे मनी प्रोवाइड करेंगे आप मनी नहीं दे पाते हैं, तो वो आपके लैंड को कैप्चर भी कर लेंगे ओके तो दैट इज़ वेरी एक्सप्लोडेटिव पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन व बी टू ओनली इज द इन स्टेटमेंट याद रखिएगा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया उसके बारे में याद रखिएगा रिगार्डिंग सब्सिडरी अलाइंस इसको आप पढ़ सकते हैं पी डी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लस एप्लीकेशन में ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अगेन स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है इनमें दो स्टेटमेंट दिए गए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ठीक है मौलाना आजाद की बात करें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था दैट इज मोमिदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फर्स्ट स्टेटमेंट है बहुत फेमस कॉलेज है आप कुछ कॉलेज का पता भी होगा सेकेंड एक कुका मूवमेंट लिखी है जो पंजाब में हुई थी उसका एम था प्योरीफाइंग द सिख रिलीजन बाय रिमूविंग ऑल एब्यूसेज सुपरस्टिशन एंड इल प्रैक्टिस ओके तो जो भी सुपरस्टिशियस होते हैं इल प्रैक्टिस होती हैं पंजाब में याद रखिएगा उन सबको को करने के लिए उनके प्योरीफाई करने के लिए सिख रिलीजन में ये कुका रिवोल्ट चला था याद रखिए कोका मूवमेंट चली थी

क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की बात करें रिवोल्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं यहां कुछ रिवोल्ट लिख रखे हैं मैंने मूवमेंट लिख रखी हैं और यहां पर लिस्ट हुए कुछ है कुछ प्लेसेज किस प्लेसेस से रिलेटेड है याद रखिएगा आपको ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं आपको याद रखना जैसे कि मोपला रिवोल्ट एका मूवमेंट पबना रिवोल्ट या तो भगशत मूवमेंट याद रखिएगा भगशत मूवमेंट ओके तो आपसे पूछा गया है इनमें से आपको करेक्ट मैच करना यूपी बंगाल बिहार और केरल से तो जिसको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा मैंने पढ़ाया हुआ है वो शायद मैच द फॉलोइंग भी चालू कर दिया होगा मोपला रिवोल्ट देखते ही उसने मैच किया होगा देखिए करेक्ट आंसर है मैचड है आपको करेक्ट मैच करना है मोपला रिवोल्ट देखते ही आप आई थिंक केरल मैच कर सकते हैं जिसको आइडिया होगा वन का फोर देखिए अगर ए का फोर मतलब ये इसको आप ए बी सी डी कर दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा ए बी सी और डी ठीक है इसको मैच करना है वन टू थ्री फोर के साथ तो ए मोपला रिवोल्ट केरल के साथ मैच करना है तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सीधे ही कट गए ठीक है कोई ए का हमने फोर मैच कर दिया तो दो ही थे बी का जो है एक का मूवमेंट की अगर बात करें तो इट इज रिलेटेड टू यूपी सो टू का वन है बी का मतलब वन है बी का बने तो यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया नहीं पता था अपना रिवोल्ट लेट लेटेस्ट सपोज इट इज रिलेटेड टू बंगाल एंड भगत मूवमेंट दैट इज रिलेटेड टू बिहार स्टिल आप आंसर की और आप गेट कर गए तो ये होता है करेक्ट वे का सॉल्व करने का तरीका कभी कभी ऐसे क्वेश्चन तो बोनस होते हैं इनको जरूर सॉल्व करना है यूपी का जो एग्जाम देने वाले होंगे याद रखिएगा वो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखते हैं यूपी पीसीएस में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इन सारी मूवमेंट्स के बारे में इनका टाइम पीरियड मैंने वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है अब इन मूवमेंट्स को पढ़ सकते हैं आपके पास टाइम होगा तो ओके okay, मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है okay? ओके और पी आपको मैंने बता दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी ओके okay? चले नेक्स्ट याद रखिएगा मैं आपको फिर से बता दूँ एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करो अभी हमारे कोर्सेज में कोई डिस्काउंट चल रहा है तो आप हमारे कोर्सेस को कंप्लीट कोर्सेस को ले सकते हो जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी कोर्सेज भी हैं आंसर राइटिंग कोर्सेज भी हैं प्लस प्री प्लस मेंस के भी कोर्सेज हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं तो एक बार जरूर गो थ्रू जरूर करें एप्लीकेशन को आपको जरूर उसमें हेल्प मिलेगी ओके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं हिस्ट्री uh, के क्वेश्चन पूछा है देर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई क्या रीजन्स थे बिकॉज द फोर रीजन्स हैव बीन मेंशन आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ सकते हैं ऑप्शन नेचुरल रिसोर्स की स्कैसिटी थी फॉरेन कैपिटल की स्कैसिटी थी रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड प्रेफरेंस ये देखा जाता था या एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं पता है वो लोगों ने गेस किया होगा ऑप्शन देख के यस दिस द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एबसेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से नहीं थी ये हेवी इंडस्ट्रीज जिसके तो कोई इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी इंडिया में डूंग अ टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल तो इसके बारे में डिटेल यहां पर मैंने मैंशन कर दिया है पीडीएफ में आप इसको पढ़ भी सकते हो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स में आते हैं एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपने सुना होगा शायद बहुत बार न्यूज में देखे आते हैं ये एक आम ड्रिबल ग्रुप है ओके पूछा गया जो आम ड्रिबल ग्रुप है किस कंट्री से एसोसिएटेड है यमन अफगानिस्तान सीरिया इसराइल तालिबान तो आपने अफगानिस्तान सुन लिया है अब इनका नाम मैंने पूछा आपको पता होना चाहिए कहां से रिलेटेड है जिसको नहीं पता कोई बात नहीं अगर आपने ओमान देखा होगा तो ओमान के नीचे ही एक कंट्री दैट इज नोन एज यमन करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है दिस आम रेबल ग्रुप रिलेटेड टू यमन याद रखिएगा सो इंपॉर्टेंट है ऐसे जो ग्रुप न्यूज़ में रहते हैं मैंने बता दिया आपको कि ये जो ग्रुप है दैट इज रिलेटेड टू वॉट दैट इज यमन अफकोर्स जो गवर्नमेंट है वहां पर यमन की उसके अगेंस्ट ही फाइट कर रहे हैं रेबल ग्रुप तालिबान ने तो अफगानिस्तान में कैप्चर भी कर लिया है चलिए क्वेश्चन मैं सेवेंथ में आते हैं करंट अफेयर्स में प्रधानमंत्री जीवन योजना इज एम टू वर्ड्स ये योजना है तो है जीवन योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री की पूछा गया ये स्कीम किस से रिलेटेड है बिल्कुल यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता अगर आप देखेंगे स्कीम दे देगा बोलेगा इसका एम एम क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्शन चार है यूथ से रिलेटेड है फाइनेंशियल सपोर्ट है बायोथनाल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है टीबी पेशेंट्स के लिए या लार्ज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर से रिलेटेड है तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो जिससे जीवन योजना पढ़ा होगा तुरंत आंसर मार्क कर दिया होगा यस बायोफ्यूल से रिलेटेड है बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दैट इज इंडिकेटेड बाय इथेनॉल प्रोजेक्ट को जो फाइनेंशियल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है याद रखिएगा ये स्कीम सपोर्ट कर रही है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो ऑर्गेनिक मैटर से याद रखिए जो जो फ्यूल बनाया बनाया जाता जो बना जाता है तो है हाइड्रोकार्बन दैट इज नोन एज वॉट इज नोन एज बायो फ्यूल रिमेंबर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हम डिटेल आप पढ़ सकते हैं स्कीम की है। याद ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट हो रही ये है यह भी इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस याद रखिएगा तो ये मिनिस्ट्री जो है इसको इंप्लीमेंट कर रही है कमेंट बॉक्स में बताइए मिनिस्ट्री के

तो देखिए जो मध्य प्रदेश से होंगे उनको तो पता होगा नर्मदा में ऐसी रिवर नहीं सुनी होगी आपने ठीक है अब इंदस्ट में भी ये नहीं सुनी होगी ऑप्शन बसता है कृष्णा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र है रिमेम्बर याद रखिए जिसको नहीं पता था उसको नोट डाउन करिए बी बी से आप याद कर सकते हैं असम की रिवर है बहुत फेमस रिवर है जो कि अभी याद रखिएगा रिवर बगोई इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन असम पोल्यूशन की वजह से ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो रिमेंबर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट इज़ ब्रह्मपुत्र ओके क्वेश्चन नंबर नाइन ब्रिक्स सबमिट अभी आपको पता होगा वर्चुअली ब्रिक्स सबमिट हुई है ट्वेंटी की उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट बनाए गए हैं पहला स्टेटमेंट है और करेक्ट बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला उसकी थीम लिखी हुई है कि इस बार की जो थीम थी वो थी रिलाई अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉर ऑल ओके सेकंड स्टेटमेंट था इसमें डेली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है फॉर कॉल्ड रिफॉर्म्स ऑफ ऑफ प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन में जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है उसमें रिफॉर्म करने की बात की गई है उसके लिए डेली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है

रिफॉर्मस इन यू एन ओके और यह थीम आप यहां पर देख सकते हैं थीम जो सबमिट की आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं ब्रिक्स एट द रेट फिफ्टीन इंट्रा ब्रिक्स को ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोल्टेशन एंड कंसेंसिस तो सीसी करके वर्ड है आप इसको याद कर सकते हैं डिटेल्स बाकी आप इस सबमिट की देख सकते हैं ओके okay? लास्ट क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एग्रीकल्चर का फेस्टिवल मैंने पूछा है कौन से स्टेट का फेस्टिवल है दैट इज नौकई याद रखिए फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है एग्रीकल्चर फेस्टिवल है मिजोरम कर्नाटका उत्तराखंड या तो उड़ीसा ये भी सेलिब्रेट किया गया इसलिए करंट अफेयर्स में है रिमेम्बर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आई होप आपको पता होगा नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए इट इज अ फेस्टिवल फ्रॉम उड़ीसा दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर फेस्टिवल फ्रॉम उड़ीसा तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके तो रिमेंबर मैंने आपको बता दिया है रिगार्डिंग आर टेन क्वेश्चंस इसमें मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको बताया दिन में अगर डेली आप टेन क्वेश्चन मॉर्निंग में कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ओके okay, और मैंने आपको फिर से बता दूँ कि अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है आपको वहां पर अगर आप डाउनलोड अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं कोर्सेज सिल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा इंडिविजुअल कोर्सेज की प्रिपरेशन करोगे वो भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको ओके okay, और कोई डाउट क्वेरीज़ है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं थैंक यू